गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लासेस एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। टुडे वी विल कंटिन्यू डेसिमल। डेसिमल में किस तरह से डिवाइड करेंगे, हमने 1000 ये वैल्यू को क्या किया था, डिवाइड किया था। अभी लिए हमने 13.6 डिवाइड 1.6, जब हमने डेसिमल हटाया तो 10 यूज़ कर दिया और उधर भी 10 यूज़ कर दिया, हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो 10 को 10 से कट कर दिया और 16 को 136 से किया तो 117/2। 117/2 को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 8.5। नेक्स्ट सेकेंड वैल्यू है 1885 डिवाइड 2.5 से डिवाइड करना है, तो इसमें क्या करेंगे बेटा, हम वन डबल एट पॉइंट फाइव डिवाइड 2.5, जब हमने पॉइंट हटाया तो हमने यूज़ कर दिया 10 बोथ साइड, 10 से 10 को कट कर दिया और 25 को 1885 से कट किया तो 5 से जाएगा और उसमें आ जाएगा 377/5। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 75.4। अब देखते हैं डिवाइड में 75.4 आता है, हमने डिवाइड करके सोल्व किया तो 37 गया, 7 पे 35 आ गया, माइनस करेंगे तो 2 बच गया, 27 उतारा तो ये गया 5 पर, 5 जा 25, माइनस किया तो 2 बच गया, पॉइंट लगाया तो 0 उतार लेंगे और सोल्व हो जाएगा 4 पर। यह हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो चुका। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं थर्ड में क्या कहता है। नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो कहता है 267.7112 को डिवाइड करेंगे 3.26 से। तो हमने क्या, सबसे पहले पॉइंट हटाया तो 10,000 से डिवाइड कर दिया और उधर की साइड पॉइंट हटाया तो 100 से डिवाइड कर दिया। रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 100/326, 0 से 0 कट गई, 326 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आ जाएगा 8212, यानी कि 8212। इसको हमें डिवाइड करना है 100 से, 100 से डिवाइड करना है तो कितनी ज़ीरो है, दो ज़ीरो है, तो नीचे भी क्या करेंगे, दो डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट का यूज़ कर देंगे। तो काउंट करो 1 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट और हमारा आंसर आ जाएगा 82.12 आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा 4 6.3168 डिवाइड 0.414। पॉइंट हटाएंगे वही सेम वैल्यू 10,000 से हो जाएगा, और उधर पॉइंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। रेसिप्रोकल करेंगे 0 से 0 कट जाएगी और 14 की टेबल से इसको कट करेंगे तो 4512 हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, नीचे क्या बचता है 100, 100 से डिवाइड करेंगे तो सेम चीज़ है, पहले 0 काउंट करो कितनी 0 है, 20 है, तो लास्ट आंसर में भी क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद हम क्या यूज़ कर देंगे, पॉइंट यूज़ करेंगे, तो 2 और 1 को छोड़ के 5 के बाद पॉइंट यूज़ किया और आंसर आ जाएगा 45.12, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब करते हैं फिफ्थ। फिफ्थ है 2.618।
नेक्स्ट है हमारे पास 2.618 डिवाइड करना है 0.05 से, तो हमने पॉइंट हटाया 1000 से डिवाइड कर दिया, और उधर पॉइंट हटाया तो 100 से डिवाइड कर दिया। रेसिप्रोकल किया तो 100 अपॉन 5 आ गया, 0 से 0 कट हो गई, और 5 की टेबल में ये आएगा 523.6 पर। अब 10 है यानी कि 1 डिजिट के बाद पॉइंट यूज़ करना है, लेकिन पॉइंट ऑलरेडी यूज़ है तो इसके बाद नेक्स्ट जो डिजिट होगा उसमें हम पॉइंट का यूज़ करेंगे 10 की वैल्यू में, तो ये आ जाएगा 52.36 हमारा आंसर। नेक्स्ट है 60.6816 डिवाइड करना है 1.2 से। पॉइंट हटाएंगे तो 10,000 से डिवाइड कर दिया, उधर पॉइंट हटाएंगे तो 10 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0 कट गई रेसिप्रोकल करके, और 12 की टेबल में ये आ जाएगा 568 पर। फिर हमें 10,000 है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट, और आगे हम क्या यूज़ कर देंगे, 0 यूज़ कर देंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आर यू फॉलोइंग मी? ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th। 7th है 2.948 डिवाइड करना है 0.78 से। आर यू डन? नेक्स्ट है बेटा 2.9484 डिवाइड करना है 0.78 से, तो हमें सबसे पहले यूज़ करेंगे 10,000 पॉइंट हटाने के लिए, और उधर यूज़ हो जाएगा 100। रेसिप्रोकल करेंगे तो 100 अपॉन 78 आ जाएगा, 20 से 20 डिडक्ट कर जाएगी, जब हम 78 से इसको कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37.79 अपॉन 100। अब दो पॉइंट तो पहले यूज़ है, यानी कि इससे आगे की डिजिट में दो पॉइंट, दो डिजिट के बाद पॉइंट यूज़ करना है, तो 1212 यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, आगे 0। नेक्स्ट है 8th है 11.47 डिवाइड 0.031। 11.47 में से डिवाइड पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा 100, डिवाइड करेंगे तो उधर आ जाएगा 1000। पॉइंट हटाने के बाद रेसिप्रोकल किया तो 1000 अपॉन 31, 20 से 20 डिडक्ट कर दी, 31 की टेबल में वो सोल्व हो जाएगा 37, और ऊपर क्या बच गया था 10, तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई 10, आंसर आ जाएगा 370 हमारा जो है आंसर आ जाएगा, 37 टेंसा होता है 370, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 0.0087 को डिवाइड कर, 76 को डिवाइड करना है हमें 0.219 से, तो देखते हैं किस तरह से सॉल्व होता है। नेक्स्ट हमारी वैल्यू है 9th, 0.00876 को डिवाइड करना है 0.219 से, तो सबसे पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, तो लाख से इसको डिवाइड कर देंगे, उधर डिवाइड हो जाएगा 1000 से, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1000 से 30 इसकी डिडक्ट हो जाएगी, 219 से 876 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 डिवाइड 100, तो एक डिजिट है हमें दो डिजिट चाहिए, तो 0.0 हमारा आंसर आ जाएगा, 0.04 ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 10th, 0.024 डिवाइड करेंगे 0.4 से, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा, उधर 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से 10 डिडक्ट हो गई, 4 की टेबल से 24 को कट करेंगे तो आ जाएगा 6 डिवाइड 100, तो वही सेम चीज़, एक डिजिट है तो दूसरी डिजिट यूज़ करेंगे 0, उसके बाद पॉइंट और आगे 0, तो आंसर आ जाएगा 0.06। ये हमारी जो एक्सरसाइज 6.6 थी ये कंप्लीट हो चुकी है, अब इसी में डिवाइड ही है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.7, क्लियर है, उसमें भी डेसिमल में क्या करना है, सिर्फ डिवाइड ही सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट। अब करते हैं बेटा एक्सरसाइज 6.7। 6.7 में भी क्या है, हमें डिवाइड करना है, फर्स्ट वैल्यू है 7 डिवाइड 0.14 से डिवाइड करना है, तो इधर क्या है, कोई पॉइंट की वैल्यू नहीं है, 7
डिवाइड पॉइंट हटाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल करेंगे तो 100 अपॉन 14 आ जाएगा। 14 की टेबल में 7 कितने पर आता है, 7 की टेबल में 14 आता है 2 पर, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पर 2, और 2 की टेबल में 100 कितने पर जाएगा बेटा, 50 पर। आंसर हमारा आ जाएगा 50। नेक्स्ट है सेकेंड वैल्यू है 169 डिवाइड 0.13। 169 को डिवाइड करना है हमें 0.13 से, कुछ नहीं करना बेटा, 169 सेम एज रहेगा, डिवाइड 0.13। पॉइंट हटाने के लिए हम दो डिजिट के बाद जीरो लगा देंगे तो किससे, 100 से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। रेसिप्रोकल करेंगे मल्टीप्लाई आ जाएगा, 100 अपॉन 13 आ जाएगा। अब 13 से 169 को कट करेंगे तो 13 13 169, यानी कि 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। तो यहाँ पर आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 100, 13 से हमने 100 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1300, यानी कि 1300 जो है हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन, 6.7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, समझ में आ गया, यस या नो? बिल्कुल, इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज 6.6 की थी उसी की तरह है, सिंपल डिवाइड ही करना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर बेटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, 540 डिवाइड करना है 1.2 से, 1.2 की वैल्यू पॉइंट हटाएंगे तो 10 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 10 अपॉन 12। अब 10 और 12 को कट करेंगे, पहले ये 2 की टेबल से कट हो रहा है, 546 आ जाएगा। 6 की टेबल से 54 को कट करेंगे तो ये जाएगा 9 पर, और 0 की 0, तो हमारे पास आ गया 90 मल्टीप्लाई 5। अब 9 5 का कितना होता है, 45, 45 में 0 ऐड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 450। इज इट क्लियर और नॉट? सेकंड फोर्थ पॉइंट है हमारे पास बेटा, 600 डिवाइड 480। अब इसमें एक बात नोटिस करना, कहीं भी क्या पॉइंट का यूज़ नहीं है, तो जैसे हम डिवाइड की फॉर्म में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखते थे वैसे इसको लिख लेंगे तो आ जाएगा 600 डिवाइड 480। 10 से 10 लेस हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब उसको कट करेंगे तो 2 की टेबल से कट किया तो 6 आ जाएगा 3 पर, 0 30, और ये आ जाएगा 2 और 424। इज इट क्लियर? अब आपने फिर से इसको 3 की टेबल से कट कर दिया तो 3 की टेबल में 30 आता है 10 पर, और 24 आता है 8 पर। फिर हमने इसको 2 की टेबल से कट किया, 5/4 आ गया। 5/4 आने के बाद हम कंटिन्यूसली इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब हमने 4 से इसको डिवाइड किया तो 4 पर नहीं आता, तो 4 1 बच गया। पॉइंट लगाया तो 0 उतार लिया, पॉइंट के बाद हम कितनी भी 0 उतार सकते हैं, ये बात बेटा आपने माइंड में याद रखना। फिर 4 2 जा कितना हुआ, 8 हो गया, माइनस किया तो 2 बच गया, फिर 0 उतार लिया तो 20, और ये कितने पर आता है, 5 पर। तो हमारा आंसर आ गया 1.25 जो था हमारा आंसर आ गया। अब करते चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। होप्स हो कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कहीं भी आप मुझसे फिर से दोबारा से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है बेटा फिफ्थ है, 12 डिवाइड 0.06 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा। रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 1000 अपॉन 6। अब 6 से 12 को कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पर, 6 2 12 होता है, मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, 1000 से। जब 2 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2000, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट वैल्यू है 684 डिवाइड 1.5 से, तो 1.5 पॉइंट हटाएंगे तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 10/15। अब 10/15 को किसकी टेबल में आता है, दोनों 5 की टेबल में आता है, ये आ जाएगा 2/3, और 3 से 684 को कट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 2 जा, फिर यहाँ पर 6 2 जा 2 बच गया, 24 कितने पर आता है, 8 पर, तो आंसर आ जाएगा 228 मल्टीप्लाई 2। अब 228 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर गया 456, यही क्या आ गया बेटा, 456 हमारा आ चुका था आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 7 पर। होप्स हो कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा, कहीं भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है 54 डिवाइड 0.6, पॉइंट हटाएंगे तो फिर से 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब 6 की टेबल से 54 को कट करेंगे तो ये सीधा आ जाएगा 9 पर, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो आंसर आ जाएगा 90। नेक्स्ट 8th वैल्यू है,
9999 डिवाइड करो 0.009 से, तो पॉइंट हटाएंगे तो सीधा ये डिवाइड हो जाएगा 1000 से। रेसिप्रोकल करेंगे तो 1000 डिवाइड 9 आ जाएगा, 9 की टेबल से 9999 को कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1111। 1111 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो हमारे पास आ जाएगी क्या वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। क्लियर है, इतना समझ में आया? अब चलते हैं पार्ट नंबर 9 पर। नेक्स्ट है 926 डिवाइड 325 से, तो 26 को इससे डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे आ जाएगा 100, और रेसिप्रोकल करेंगे तो 100 अपॉन 325, जब इसको कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 4, ये कट किया तो 20/65, 5 की टेबल से, फिर 5 की टेबल से कट किया तो 4/13, और 13 से कट किया तो ये आ जाएगा 2/2 × 4, हमारा आंसर आ जाएगा 8। नेक्स्ट है हमारा 7 × 0.28 से, तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1000, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1000/28, 7 × 1 = 7, 4 = फिर हमने 2 से कट किया तो आ जाएगा 500/2, फिर हमने 2 से कट किया तो सीधा आंसर आ जाएगा 250, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब करते हैं पार्ट नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 42 / 0.025, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने के लिए हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, 1000 से डिवाइड किया हमारे पास आ गया 1000/25, रेसिप्रोकल करके 25 की टेबल में 100 आता है 4 पर, ये आ जाएगा, कट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 42 को जब हमने 40 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया आंसर 1680, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट 12 है 3 / 0.25, पॉइंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई 100/25, अब फिर वही 25 × 1 = 25, 25 × 4 = 100, अब आ गया हमारे पास 3 × 4, न्यूमिनेटर में बच गया 3 और 4, तो न्यूमिनेटर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12, तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा 12। ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.6 और 6.7 कंप्लीट वन वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे बेटा हम नेक्स्ट क्लास में, क्लियर है? होप सो आप सभी को समझ में आया होगा, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।